भाई साहब जनाब ये दीवारें भी बोल उठी हैं, दीवारें भी बोल रही, पीछे से टाइलें बोल रही भाई साहब। इन्होंने इतने परांठे बना लिए ना यहाँ पर, ट्रक का टायर छोटा पड़ जाता है जनाब। गाड़ी की स्टेयरिंग घुमाते हैं ना वैसे घुमाते हैं, घुमा के दिखाना। ये लो जनाब स्टाइल देखो, पावर स्टेयरिंग है ये भाई साहब, ये नेक्स्ट लेवल है। आगे पीछे दाएं बाएं हमारे शेफ साहब घूम रहे परांठा बनाने के लिए। खिड़की छोटी पड़ जाती कई बार ना परांठे के लिए। अच्छा ये तो ट्रक के टायर से भी बड़ा परांठा बना दिया भाई साहब आपने। हाँ जी दोस्तों, ये हमारे मास्टर शेफ जो बनाएंगे 32 इंच का सबसे बड़ा परांठा जयपुर का, है ना जी। सर सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमित सिंह है सर। अच्छा जी, ये सच में 32 इंच का परांठा रहेगा कि मजाक करोगे हमारे साथ? सर बिल्कुल 32 इंच का पक्का, छोटा सा नहीं दे देंगे बच्चे से बना के। सर हम आलू प्याज का परांठा बनाएंगे। अच्छा जी, और फिलिंग कितने किलो की होगी? सर फिलिंग 1.5-2 किलो की होती है। 1.5-2 किलो की जी। ये आ गया सर हमारा आलू, अब इसमें हम डालेंगे प्याज भर के। ये आ गया सर हमारा धनिया, अब इसमें थोड़ा सा मेथी ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए। तो परांठा अच्छा होता है कि नहीं, कि फीलिंग ही अच्छी होती है? नहीं सर, परांठा भी अच्छा मिलेगा, फीलिंग भी अच्छी मिलेगी आपको। एक नंबर परांठा 32 इंच वाला। बिल्कुल सर, क्या बात है। इसमें हम मिर्ची ऐड करेंगे। ये आ गया हमारा सीक्रेट मसाला, ये हम नमक ऐड करने वाले हैं। साल्ट, ये नमक राजस्थानी रहता है कि ऐसी है नॉर्मल है? नहीं सर, वो नॉर्मल अपना जो होता है नॉर्मल वही। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप भी खाते हैं परांठा कि लोगों को खिलाई जा रही है? सर हम भी खाते हैं। आप तो है नहीं तंदुरुस्त मोटे? नहीं सर, अच्छा खासा हूँ मैं तो। अच्छा खासे हैं? हाँ, तो स्टफिंग तैयार हो गई सर। अच्छा रेडी हो गए? हाँ जी। हाँ जी फौजी जवान हो गए रेडी? हाँ जी रेडी हो गए। क्या बात है। और ये पेस्टिंग हमारी आलू की थी 2 किलो की? आलू प्याज का था 1.5-2 किलो का। अगर इसको मैंने खा लिया तो कितने रुपए इनाम है? सर एक मेंबर 2 पराठे खाएगा वो भी 50 मिनट के अंदर। अच्छा जी, तो उसको 1 लाख कैश, लाइफ टाइम खाना फ्री, ऑल ब्रांड। अच्छा चलो बनाओ फिर, कैसे रहता है देखना चाहते हैं। ओ भाई साहब ये देखो, ये बेलन देख लो जनाब। ये आ गया हमारा डो। ये देखो भाई, ये तो पूरे महीने की फैमिली का आटा है भाई साहब। ये भाई साहब ये बेलन देख लो, परांठे का साइज देख लो, परांठे बनाने वाले देख लो भाई साहब। ये डालेंगे मसाला। मसाले के जाने की बारी आ गई परांठे के अंदर। ओ भाई साहब गुस्से में तो नहीं बना रहे परांठा? नहीं नहीं सर, प्यार खुश दिल से बना रहे, प्यार से। बिल्कुल सर प्यार। क्या बात है, स्माइल दिखाते हैं, स्माइल देते हो। क्या बात है जनाब, स्मार्टी शेफ है हमारा। ये लो जी, मुंह बंद कर दिया। ये तो भैया ऐसे बंद कर रहे जैसे मुंह बना रहे हो आप। नेक्स्ट लेवल भाई साहब, ये नेक्स्ट लेवल का परांठा जी, है ना। दीवानगी देख लो, कितने परांठे खा लेते हैं एक दिन में लोग, कितने आते हैं दूर दूर से खाने के लिए? सच बताना, झूठ मत बोलना। हैं काफी दूर दूर से बंदे आते हैं खाने, फिर भी बहुत दूर दूर से आते हैं सर, काफी दूर दूर से, विदेशों से आए हैं। फ्लावर डस्ट करने के बाद फिर मसल पावर दिखाते हुए हमारे फौजी जवान शेफ। ओए होए होए, एक नंबर जवान। सुपर फास्ट स्पीड से बना रहे हैं, स्पीड आपकी गोली जैसे है ना। अंदाजे से अगर छोटा निकला तो 32 का ही होगा पूरा? पूरा 32 का होगा सर। ये देखो भाई, इधर आगे पीछे दाएं बाएं हमारे शेफ साहब घूम रहे परांठा बनाने के लिए। अच्छा ये तो ट्रक के टायर से भी बड़ा परांठा बना दिया भाई साहब आपने। मुझे लग रहा 32 नहीं 34-35 इंच का बना दिया आपने परांठा। नहीं सर। हाँ जी झूठ मत बोलो यार, ये तो कैमरे के फ्रेम से बाहर जा रहा है। ओए होए भाई साहब, ये चक्को कैसे अब यहीं पे बना दोगे? तवा यही तो नहीं है? नहीं सर ये नहीं है। बेलन भी छोटा पड़ गया, शेफ साहब भी छोटे पड़ गए। शेफ साहब तवा कहाँ पर, इतना बड़े तवे में? तवा वो रहा सर इसका। ओ भाई साहब ये रहा तवा, तो ओ तवा देख लो फ्रेम से बाहर, कैमरा छोटा। तो तवे पे लेके जा रहे हैं अब, परांठा तैयार है जी सर, फोल्ड करके जाएगा। ओए होए भाई साहब, तवे से बाहर जा रहा मामला। ये देख लो फ्रेम छोटा पड़ गया ना, ये देख लो भाई साहब। अरे ये बन रहा जबरदस्त 32 इंच का परांठा जनाब, फ्रेम से बाहर, ट्रक का टायर छोटा पड़ जाता है जनाब। हैं शेफ साहब, मुझे लगता है ये 10-20 जने लगेंगे इसको खाने के लिए। नहीं सर, 6-8 बंदे। 6-8 जने खा लेंगे परांठा भाई साहब। जैसे गाड़ी की स्टेयरिंग घुमाते हैं ना वैसे घुमाते हैं, घुमा के दिखाना। ये लो जनाब स्टाइल देखो, स्टेयरिंग पावर स्टेयरिंग है ये, जादू करके दिखा दो। ये देखो जी, ये लेफ्ट साइड मोड़ दिया परांठा। ये लो भाई साहब, परांठा मेरी साइड आएगा मतलब मैं खाऊंगा। सर ये घी का रहता है रिफाइंड का? नहीं सर, ये घी का रहता है, देसी घी का। हाँ जी सर। पौष्टिक आहार? हाँ जी। फिर तो आप दादी माँ नानी माँ से भी ऊपर निकल गए, पौष्टिक परांठा बना रहे हैं, खिला रहे हैं लोगों को। हैं बिल्कुल, ये देसी घी का 32 इंच का परांठा है। ये औजार है, ये कौन सा औजार ले लिया अब शेफ साहब आपने? ये सर हमने पलटने के लिए। मारोगे तो नहीं मुझे? नहीं नहीं सर बिल्कुल। चलो जी हम जा रहे हैं 32 इंची पराठे को पलटने के लिए अब। भाई साहब, और जब आपने परांठा पलटा था ना ऐसे लग रहा था जैसे लैंडस्लाइड हो गया जनाब। ये दीवारें भी बोल उठी हैं, दीवारें भी बोल रही, पीछे से टाइलें बोल रही भाई साहब। इन्होंने इतने परांठे बना लिए ना यहाँ पर, ये भाई साहब ये नेक्स्ट लेवल है। रेडी हो गए जी परांठा? हाँ जी सर रेडी है। क्या बात है जी,
शेफ साहब आपने कितने परांठे बना लिए अभी तक? अभी सारे हमने सब बहुत सारे परांठे बना लिए। बहुत सारे? हाँ जी। गिनती नहीं है? गिनती नहीं है। और ये देखो स्टेयरिंग का मामला फिर आ गया, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, यहाँ स्टेयरिंग चलता रहता है। ओ भाई साहब ये क्या, ये तो भैया जी से भी बड़ा ये थाल है। इस थाली में आने वाला है जी परांठा? कहाँ से खरीदी है? पूछा नहीं कभी मालिक से? इसमें बैठ के कभी घर तो नहीं चले जाते आप? भाई साहब थाली छोटी पड़ गई है जी परांठे को, फ्रेम भी छोटा पड़ गया है, बड़े से ट्रक जैसे वाले परांठे को। ये हमारा 25 इंची का पराठा रेडी हो गया है जी। बाबोली परांठा तैयार हो गया? हाँ जी तैयार। सर ये ऐसी दे दोगे खाऊंगा किसके साथ में? सर इसके हम आगे आपको। ये लो जनाब छोटी सी खिड़की से निकल रहा 32 इंच का सबसे बड़ा बाहुबली परांठा, ये निकाल रहे हो आप ही लेके आते हैं यहाँ से खिड़की से? खिड़की छोटी पड़ जाती कई बार ना परांठे के लिए। ये लो भाई साहब, भाई के डोले छोटे पड़ गए। कटिंग करके लेके सर? नहीं नहीं कटिंग नहीं होगी, आप ऐसे लेके आओ। दो जने लगते हैं इसको थाली चकने को? हाँ जी सर। ये लो भाई साहब आ गए 32 इंच का बिग परांठा, बाहुबली परांठा।